हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ कैन यू बिल्ड अ रेज्यूमे इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ डेटा साइंटिस्ट जॉब रोल। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा, ये हमारे करियर पे चर्चा का पार्ट था। लास्ट थर्सडे आई वाज सपोज टू अपलोड दिस वीडियो, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिला उतना ज़्यादा, और मैंने जो वीडियो बनाया आई वॉज नॉट हैप्पी विथ इट, बिकॉज मुझे लगा कि मैं जितने पॉइंट्स कवर कर सकता था जल्दबाजी में मैंने कवर नहीं किए। सो लेटर आई डिसाइडेड कि एक काम करते हैं, थोड़ी देर बाद इस वीडियो को रीअपलोड करते हैं फिर से अच्छे से रिसर्च करके। तो दिस इज द सेकेंड टाइम आई एम अपलोडिंग और रादर क्रिएटिंग दिस वीडियो। तो इस पूरे सेशन का गोल ये है कि आप जो भी लोग इस मेंटोरशिप प्रोग्राम का पार्ट हो, आपको ये समझाना है कि आप एक अच्छा बढ़िया रेज्यूमे कैसे बना सकते हो, क्योंकि अपेरेंटली ये एक सिंगल पीस ऑफ पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये पेपर। ठीक है, तो अगला जितना भी टाइम है इस वीडियो में हम लोग बहुत ध्यान से सारे के सारे की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन यू बिल्ड एन इफेक्टिव रेज्यूमे फॉर योरसेल्फ, जिसको देख करके रिक्रूटर्स आपको हायर करने पे मजबूर हो जाए। ठीक है, तो पहले मैं आपको सेशन का एजेंडा बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, व्हाट्स द प्लान ऑफ अटैक। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज सम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो मुझे लगता है आपको हेल्प करेंगे। देन वी विल डिस्कस कि आप एग्जैक्टली रेज्यूमे को बिल्ड कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, किस तरह का डिजाइन यूज करोगे, फॉर्मेटिंग कैसी रहेगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग सेक्शन वाइज डिस्कशन करेंगे, राइट? रेज्यूमे में जितने भी सेक्शन होते हैं हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में मैं आपको कुछ जनरल पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, ऑल्सो इस वीडियो को बनाने के प्रोसेस में मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े पिछले 4-5 दिनों में। उनमें से एक ब्लॉग मुझे बहुत पसंद आया है, उस ब्लॉग को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज वो ब्लॉग जाकर के एक बार पढ़ो, क्योंकि इट इज अ गुड ब्लॉग, इट विल हेल्प यू। और उसमें से कुछ कॉन्टेंट मैंने इस वीडियो में रीयूज भी किया है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, सम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। ठीक है, जो मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है ना वो एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है। अगर आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो, काम कर रहे हो, तो आपको शायद ये पहले से पता भी होगा, बट अगर आप फ्रेशर हो और आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि नेवर एवर ट्राई टू मेक अ मल्टी पेज रेज्यूमे, नहीं बनाना होता है, हमेशा एक पेज का रेज्यूमे बनाओ। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मेरे लाइफ का ऑलमोस्ट 1 साल मैंने एक वेबसाइट के ऊपर काम किया था एज अ स्टार्टअप फाउंडर, जहां पे मेरा काम था जॉब पोस्ट्स लेकर के आना एचआर लोगों से। तो मैं दिन भर एचआर लोगों से बात करता था, और मैंने उस टाइम ये समझा कि एचआर लोग कितने पर्टिकुलर होते हैं इस पॉइंट के लिए। वो एकदम बुलिश होते हैं और वो बोलते हैं कि अगर एक से ज्यादा पेज का रेज्यूमे होता है जनरली हम उसको शुरू में ही रिजेक्ट कर देते हैं, इट्स लाइक दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो क्यों होता है इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता हूँ। जैसे व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज, तो मैं एक इन्वेस्टर से मिलने गया था, और उसने जल्दबाजी में मुझसे बोला कि एक लाइन में बताओ तुम्हारा बिजनेस क्या है। मैंने बोला ये तो अजीब अजीब बात है यार, मैं मेरे पास बहुत बातें हैं कहने के लिए मेरे बिजनेस को लेकर के, आप बोल रहे हो एक लाइन में बताओ, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मैं जो बिजनेस रन कर रहा था उसको एक पॉइंट में बता पाता, राइट? सिमिलरली आपको भी लगेगा कि यार मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं कहने के लिए, मैं एक पेज में कैसे कंप्रेस करके लाऊं। तो इन्वेस्टर ने मुझे ये बोला कि अगर तुम एक लाइन में नहीं बता पा रहे हो ना अपने बिजनेस को, इट मींस तुमको खुद समझ में नहीं आया कि तुम्हारा बिजनेस क्या है। सिमिलरली मुझे यही लगता है कि इफ यू आर अ कैंडिडेट और आप एक जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो और एक पेज में अगर अपने बारे में नहीं बता पा रहे, तो आपको अपने बारे में अभी अच्छे से नहीं पता कि कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें कम इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है और हमेशा माना जाता है कि एक पेज में आपको अपना रेज्यूमे बना के दिखाना चाहिए। सो इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, अगर आप इसको वॉयलेट करोगे देर इज अ गुड इनफ चांस कि आपका रेज्यूमे सेलेक्ट ना हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, डिजाइन ऑफ द रेज्यूमे। सो इसमें बहुत वेरिएशन आते हैं, शायद आपने देखा भी होगा, कुछ लोग बहुत ही कंजर्वेटिव डिजाइन रखते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन लिखा हुआ ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर। कुछ लोग बहुत फैंसी डिजाइन भी लाते हैं, लाइक बहुत कलरफुल और अलग अलग टाइप की हेडिंग्स, अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स। तो इसमें मैं बस आपको ये बोलूंगा कि जस्ट बी केयरफुल, दोनों डिजाइन वैलिड है, बट यूजिबिलिटी को सबसे ऊपर रखना। डिजाइन के चक्कर में यूजिबिलिटी खराब नहीं होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आप कन्वे करना चाह रहे हो
वो सही से कन्वे होना चाहिए। ऑल्सो सामने वाली कंपनी को देखो कहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो। अगर कोई कंपनी है जो स्टार्टअप है तो वहां पर आप थोड़े फैंसी डिजाइन रख सकते हो। अब अगर आप TCS जैसी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे कंजर्वेटिव डिजाइन के साथ जाना ही ज्यादा सही है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, टेल अ स्टोरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप एक HR का जॉब समझो कितना डिफिकल्ट है। उसने एक जॉब पोस्टिंग डाला किसी वेबसाइट पे, लेट्स से naukri.com, और झट से उसको 1,000 रेज्यूमेज मिलते हैं। और उन 1,000 रेज्यूमेज में उसको सबको 30-30 सेकेंड्स में देख करके डिसाइड करना होता है कि किसको हम जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाएं। अब यहां पर अगर आपका रेज्यूमे इज जेनेरिक, बिल्कुल वैसा ही जैसा बाकी लोगों का है, तो फिर आप अलग कैसे हो पाओगे भीड़ से? तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप प्लीज उसके अंदर एक कहानी डालो, एक कहानी जो आपके रिक्रूटर को याद रह जाए। ठीक है, मतलब उसको दिखाओ कि यू आर क्रेजी अबाउट डेटा, शुरू से लेके एंड तक आपने हर चीज डेटा के बारे में किया। या फिर आप उसको ये बताओ कि आप एक गलत जॉब रोल में फंस गए थे, बट लेटर यू रियलाइज दैट डेटा इज योर पैशन, और फिर आपने हर चीज की कोशिश की कि आप डेटा साइंस में घुस पाओ। तो बेसिकली द आइडिया इज सिंपल कि आपको एक कहानी कहनी होती है अपने रेज्यूमे के अंदर। अब ये कहानी एकदम पर्सनलाइज्ड है, आपकी कहानी मेरी कहानी बहुत अलग होगी, बट मेक श्योर कि देयर शुड बी अ स्टोरी, स्टोरी से कोई भी कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप याद रखो और सोचो आप अपनी कहानी को रेज्यूमे में कैसे बयां कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, कस्टमाइज। ये बहुत लोग गलती करते हैं कि सिर्फ एक रेज्यूमे बनाते हैं और उसी एक रेज्यूमे को 100 जगह भेजते हैं। कभी भी ये काम नहीं करेगा। मैंने तो इनफैक्ट यहां तक देखा है कि लोग सेम रेज्यूमे को डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए भी भेज देते हैं, डेटा साइंटिस्ट जॉब के लिए भी भेज देते हैं, और डेटा इंजीनियरिंग जॉब के लिए भी भेज देते हैं। क्या ये कभी भी काम करेगा? नहीं। सो थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मल्टीपल वर्जन्स ऑफ रेज्यूमे बनाने पड़ेंगे अलग अलग टाइप की कंपनीज के लिए, अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के लिए। जितना आप कस्टमाइज करके भेजोगे ना, सामने वाले को उतना ये फील आएगा यार इस बंदे को तो भगवान ने मेरे लिए बनाया है। ये फीलिंग उसके अंदर आनी चाहिए कि यार दिस कैंडिडेट इज टेलर मेड और यही मुझे चाहिए, इसको बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए कस्टमाइजेशन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 4, गेट 1 पॉइंट टू क्लिक। ठीक है, आपको क्या लगता है IITs वालों का या IIM वालों का प्लेसमेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज नाउ दैट वन सिंगल पॉइंट कि वो बंदा IIT से है या फिर IIM से है, वो आपके रेज्यूमे का एकदम हाईलाइट बन जाता है, राइट? सिमिलरली अगर किसी ने पहले गूगल में काम कर लिया तो वो उसके रेज्यूमे का हाईलाइट बन गया। अगर कोई बाहर काम करके आया US में तो वो भी उसके रेज्यूमे का हाईलाइट बन गया। तो आपको अपने लिए एक हाईलाइट खोजना पड़ेगा। ठीक है, एक हाईलाइट आपको खोजना पड़ेगा। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी आपने कुछ बहुत धांसू सा प्रोजेक्ट बनाया, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में सुन के लोगों के होश उड़ गए कि यार कैसे बनाया होगा, क्या किया, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम। इट कुड बी अ रिसर्च पेपर, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इट कुड बी आई डोंट नो सम इंटर्नशिप एट अ वेरी गुड कंपनी, बट यू हैव टू फाइंड वन थिंग दैट विल क्लिक। ठीक है, दैट विल स्टिक टू द माइंड ऑफ द रिक्रूटर। 300 रेज्यूमेस देखने के बाद भी जब वो खाना खाने बैठे तो उसको याद रहे कि यार एक बंदा था जिसने ये किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वही आपको एज प्रोवाइड करेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज टॉक अबाउट योर ट्रांसफरेबल स्किल्स। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया हमारे पास रेलिवेंट डेटा साइंस स्किल्स नहीं है अभी, तो व्हाट शुड बी टॉक अबाउट? यू कैन टॉक अबाउट ट्रांसफरेबल स्किल्स। ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या होते हैं? ऐसे स्किल्स जो जॉब टू जॉब आप ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, टीम बिल्डिंग, मैनेजमेंट। ये सारी चीजें ऐसी हैं इनके बारे में बात करो, ये हर जगह पे अप्लाई होती हैं। और अगर आपके पास थोड़े स्किल्स कम भी हैं दिखाने के लिए एज अ डेटा साइंटिस्ट, आप इन स्किल्स को यूज करो अपने रेज्यूमे को थोड़ा भरा भरा दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। हम आगे जो डिस्कशन करेंगे उनमें ये सारी स्ट्रैटेजीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं रेज्यूमे बनाने की तरफ। अब रेज्यूमे बनाना है बट कैसा दिखना चाहिए, एक बार वो डिस्कस करते हैं। 3 टाइप के डिजाइन मैंने मार्केट में देखे हैं और तीनों का अपेरेंटली कुछ नाम होता है। आपके स्क्रीन पे मैंने वो तीनों नाम लिखे हैं। जो सबसे सिंपल बेसिक टाइप का रेज्यूमे आपने देखा होगा उसको बेसिक रेज्यूमे बुलाते हैं। थोड़ा सा अगर आप उसमें कलर्स ऐड कर दो और थोड़े से अच्छे फॉन्ट्स ऐड कर दो, थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेट कर दो, तो उसको फंक्शनल बुलाया जाता है। और अगर आप उसमें डिजाइन वगैरह ऐड कर दो तो इट इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक। ठीक है, तो आपको कौन सा डिजाइन यूज करना चाहिए? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला इट डिपेंड्स कि आप कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ बिग कंपनी जिसका मार्केट में इस तरीके से ही रेपुटेशन है कि दे आर वेरी वेरी सीरियस एंड कंजर्वेटिव,
आपको बेसिक वाली साइड मूव करना है, और अगर आप एक ऐसी कंपनी के ऊपर अप्लाई कर रहे हो जिसका थोड़ा कूल एक रेपुटेशन है मार्केट में, थोड़ा स्टार्टअप कल्चर है उनके पास, तो फिर आप इन्फोग्राफिक वाली तरफ मूव कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मल्टीपल डिजाइन के ऊपर काम करो, मल्टीपल वर्जन्स रखो अपने रेज्यूमे के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल आपको एक नई कंपनी के बारे में पता चला और आप रात में बैठ के उसके लिए अपने रेज्यूमे को रीडिजाइन कर रहे हो। नहीं, हमेशा 2 से 3 वर्जन्स रखो और उनको इंटरचेंजेबली आप यहाँ वहां भेजते रहो। ठीक है, अगला सवाल आपके मन में शायद आ रहा होगा कि भाई कहाँ से बनाए हम रेज्यूमे। ठीक है, तो मैं आपको दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, जगह बता रहा हूँ जहाँ पे आप बना सकते हो। पहला तो है गूगल डॉक्स। हम सभी लोग ड्राइव यूज करते हैं और ड्राइव में गूगल डॉक्स होता है। गूगल डॉक्स में पहले से बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ऑनेस्टली आप उनमें से किसी को भी पकड़ के रेज्यूमे बना सकते हो। सेकेंड इज कैनवा, अ वेरी फेमस टूल। मैं अपनी वेबसाइट, अपने यूट्यूब चैनल के सारे थंबनेल्स कैनवा के थ्रू ही करता हूँ, तो कैनवा इज अ गुड ऑप्शन। एंड थर्ड इज आप कोई भी वेबसाइट को पकड़ो, जेट इज अ वेबसाइट, नोवो टेम्पलेट इज अ वेबसाइट, नो मोर रेज्यूमे, समथिंग लाइक दैट। लेट मी शो यू क्विकली, लाइक दिस इज गूगल डॉक्स। एक बार जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। यू कैन सी इतने सारे रेज्यूमे टाइप्स आपको दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। देन देर इज कैनवा, यहाँ पर आपको बस एक अकाउंट बनाना है एंड यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ रेज्यूमे टेम्पलेट्स। ठीक है, मतलब कैनवा तो मतलब भरा हुआ है रेज्यूमे टेम्पलेट से। कोई भी एक पसंद करो जो आपके साथ थोड़ा रेजोनेट कर रहा है डिजाइन, और आप उसको बना लो। ठीक है, यहाँ पर यू कैन सी तीनों टाइप के डिजाइन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, एंड द गुड पार्ट इज मोस्ट ऑफ दीज डिजाइन आर फ्री। ठीक है, एंड द थर्ड ऑप्शन इज यू कैन गो टू गूगल एंड जस्ट सर्च रेज्यूमे बिल्डर्स, आपको भर के रिजल्ट आएंगे। बस बी केयरफुल अबाउट वन थिंग, मैंने पास में गलती की है कि मैंने एक वेबसाइट पे मैं गया और मैंने पूरा रेज्यूमे बनाया, और लास्ट में जब मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई पैसे दो तभी हम डाउनलोड करने देंगे, और मेरे 2-3 घंटे की मेहनत बर्बाद हो गई। तो प्लीज बी केयरफुल, जो भी वेबसाइट आप सेलेक्ट कर रहे हो पहले एक बार कुछ भी बनाए बिना डाउनलोड करने की कोशिश करना। अगर होने देता है वो वेबसाइट डाउनलोड, तो ही आप वहां पे वेबसाइट पे रेज्यूमे बनाना। ऑल दो आई वुड रिकमेंड, इन तीनों में मेरा फेवरेट वुड बी कैनवा, वेरी वेरी इजी टू यूज टूल एंड यहाँ पर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिजाइन। ठीक है, तो कैनवा वुड बी माई पिक, बाकी यार आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो चीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेज्यूमे की फॉर्मेटिंग के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप रेज्यूमे क्रिएट कर रहे हो, उसमें क्या क्या चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यू शुड यूज एलिगेंट टेक्स्ट फॉन्ट। ठीक है, गुड एग्जाम्पल्स आर कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल और वर्डाना। ये सारे फॉन्ट्स यूज करो, बहुत ही फॉर्मल लगते हैं और अच्छा दिखते हैं। ठीक है, प्लीज यहाँ पे अपने अंदर के डिजाइनर को बाहर मत आने दो, क्योंकि हो सकता है आपको कोई बहुत फैंसी सा फॉन्ट अच्छा लगने लग जाए। डोंट यूज फैंसी फॉन्ट्स, आंखों को खटकता है तो फिर गलत इंप्रेशन पड़ता है। यूज फॉर्मल फॉन्ट्स। ठीक है, एक और चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपका जो फॉन्ट साइज होना चाहिए वो 11 से 12 के बीच में होना चाहिए, और जो आपकी हेडिंग्स हैं वो 14 से 16 के बीच में होना चाहिए। यू कैन सी यहाँ पे जो नॉर्मल टेक्स्ट है ये 10 से 12 है, और ये जो हेडिंग्स हैं ये 14 से 16 के बीच में है। ठीक है, थर्ड इज मेक सेक्शन हेडिंग्स एंड हेडर बोल्ड। ठीक है, बोल्ड कर दो आप जब भी सेक्शन हेडिंग्स लिख रहे हो। नेक्स्ट, अवॉइड यूजिंग टू मेनी टेक्सटाइल सच एज बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन, बहुत ज्यादा यूसेज मत करो। ठीक है, डेट्स वगैरह मेंशन कर रहे हो, यू कैन यूज इटैलिक्स। अगर आप हेडर्स लिख रहे हो या सब हेडर्स लिख रहे हो, यूज बोल्ड, उससे ज्यादा जबरदस्ती डालने की जरूरत नहीं है। कुछ भी ज्यादा होता है ना तो आंखों को खटकता है, और फिर आपका जो एक्सपीरियंस है ना उसको स्टडी करने का वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। नेक्स्ट इज यूज 1 से 1.5 का लाइन स्पेसिंग, दो लाइंस के बीच का डिफरेंस ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, चिपका हुआ खराब लगता है, फैला हुआ में आप पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन डाल नहीं पाओगे एक पेज में। तो 1 से 1.15 इज अ गुड रेंज टू हैव। ठीक है, अवॉइड विजुअल इफेक्ट्स, डेकोरेशंस और अननेसेसरी आइकन्स। आई गेस आपको समझ में आ रहा है, स्पेशली वो सीरियस कंपनीज जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो, बहुत ज्यादा गिमिक्स मत डालो, नहीं लगता सही। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज बुलेट पॉइंट्स टू मेक योर रेज्यूमे लुक क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज एंड ईजी टू फॉलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप मल्टीपल चीजें बता रहे हो किसी एक चीज के बारे में, यूज बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, उससे क्या होता है, तुरंत आपकी आंखों को एक डायरेक्शन मिल जाता है कि अच्छा दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3, रीडेबिलिटी बढ़ जाता है। तो जितना आपको मेहनत करवाओगे ना आप रिक्रूटर को अपना रेज्यूमे पढ़ने में, उतना चांसेस आपका कम हो जाएगा सेलेक्ट होने का। तो उसके लिए बहुत कन्वीनियंट बना दो अपने रेज्यूमे को ट्रैवर्स करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज डोंट यूज रिडंडेंट हेडिंग्स।
जैसे कि कुछ लोग लिखते हैं रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, सिर्फ एक्सपीरियंस लिखो, सेम ही बात है। स्किल्स एंड टूल्स लिखते हो, सिर्फ स्किल्स लिखो। एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखते हैं, सिर्फ एक्स्ट्राज लिखो। ठीक है, तो ये एक तरीका है जल्दी से झट से सेम इंफॉर्मेशन कन्वे करने का। जगह भी बचा लिया आपने, उस बंदे को एक्स्ट्रा रीड भी नहीं करना पड़ा। तो ये कुछ स्मार्ट फॉर्मेटिंग टेक्निक्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा और भी हैं, थोड़ा अगर आप और रिसर्च करोगे तो यू विल गेट सम मोर फाइनर डिटेल्स, बट यू गेट द आइडिया कि ये बारीकी आपको अपने रेज्यूमे में डालनी पड़ेगी, तभी सामने वाला जो बैठा हुआ है रिक्रूटर उसको पढ़ने में आसानी होगी। और उसको पढ़ने में आसानी होगी ना, तो जो 30 सेकेंड्स उसने आपको एलोकेट किया है ना, उससे आप मैक्सिमम डिराइव कर पाओगे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब गाइज एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आपके रेज्यूमे का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब आपके रेज्यूमे में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, कब कौन सा सेक्शन आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज बताऊंगा, एक फ्रेशर का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा और एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट विथ फ्रेशर्स। तो फ्रेशर्स के लिए मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको अपने रेज्यूमे में सबसे ऊपर रखना चाहिए हेडर। हेडर वो जगह होती है जहां पर आप अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, ये सब लिखते हो। ठीक है, ये सबसे ऊपर आना चाहिए। इसके बाद आना चाहिए आपका रेज्यूमे समरी। 3-4 लाइन्स में आपने अपने बारे में रिक्रूटर के हिसाब से बताया है कि हम कैसे आपकी कंपनी के लिए एक सही फिट बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लाना चाहिए आपका एजुकेशन, बिकॉज इस पॉइंट पे आपके पास जो चीज है दिखाने के लिए वो आपका एजुकेशन है, आपके स्किल्स हैं। सिंस आपने अभी कोई जॉब नहीं किया है, आई एम अज्यूमिंग आपके पास कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, तो इट शुड बी एजुकेशन। देन यू शुड हैव टू शो योर स्किल्स, आपके पास अभी क्या स्किल्स हैं, बहुत अच्छे से कैटेगराइज करके आगे हम डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट शुड बी स्किल्स। स्किल्स के बाद आप एक्सपीरियंसेस दिखा सकते हो अगर आपके पास कुछ रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप दिखाते हो एक्स्ट्राज। एक्स्ट्राज में आप दिखाते हो आपके अचीवमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट्स और जो भी आपके बारे में बाकी बची हुई चीजें हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्सेट्रा, वो आप यहाँ पे दिखाते हो। तो दिस शुड बी द स्ट्रक्चर फॉर अ फ्रेशर। ऑन द कॉन्ट्रेरी एक्सपीरियंस में थोड़ा सा ये फ्लो चेंज होता है। यहाँ पर भी आप सबसे पहले हेडर लगाते हो, सबसे ऊपर अपने बारे में बताते हो, उसके बाद आपका रेज्यूमे समरी, उसके बाद आप एक्सपीरियंस डालोगे, बिकॉज आप ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब कर चुके हो, आपको पता है आपने क्या किया है, आप उसको सबसे ऊपर डालना चाहोगे। बिकॉज रिक्रूटर भी जब किसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट का रेज्यूमे देखता है, वो सबसे पहले देखना चाहता है कि आप कौन सी कंपनी में थे, किस पोजिशन पे थे और आपने क्या काम वहां पे किया। तो एक्सपीरियंस को सबसे ऊपर डालो, उसके बाद अपने स्किल्स को डालो, बिकॉज क्या सीखा आपने पिछली कंपनी में वो लिखना जरूरी है। उसके बाद आप अपना एजुकेशन डालो, बिकॉज हो सकता है रिक्रूटर के मन में एक क्यूरियोसिटी आए कि अच्छा ठीक है, गुड कंपनी, गुड स्किल्स, कहाँ से पढ़े हुए हो। ठीक है, उसके बाद अगेन आपके जो भी एक्स्ट्राज हैं, आपके अचीवमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स, अपने बारे में अगर आपको कुछ बताना है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो ये दोनों तरीके से आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आप ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। बाकी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरे हिसाब से बेस्ट रूल ये है कि आप जनरली उन सेक्शंस को ऊपर की साइड रखो जो आपका स्ट्रेंथ है। ठीक है, जहां पर आपको लगता है कि ज्यादा रेज्यूमे अटकेगा रिक्रूटर के दिमाग में, उन पॉइंट्स को आप ऊपर रख सकते हो, और जो आपके वीकर पॉइंट्स हैं आप उसको नीचे ला सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी। तो आप देख लो, ये एक स्ट्रैटेजी है बना बनाया, और दूसरा वो है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलो, वीकनेसेस को छुपाओ। ये दोनों स्ट्रैटेजीज पे मैंने रेज्यूमेस देखे हैं और दोनों ही अच्छा क्लिक करते हैं। बस डिसीजन अब आपका है कि आप कौन सा यूज करोगे। अब गाइज एक एक करके हम लोग सारे सेक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके रेज्यूमे में होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, द हेडर सेक्शन। ठीक है, सो हेडर सेक्शन इज बेसिकली द टॉप पार्ट ऑफ योर रेज्यूमे, जहां पर आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, लाइक आपका नाम, अगर आपके पास एक जॉब है या कोई एक हेडिंग है, सब हेडिंग है अपने बारे में, आप वो डाल सकते हो एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो हेडर के बारे में कुछ की पॉइंट्स हमेशा आप याद रखो कि पहले तो आप क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। देर शुड बी अ नेम, ऑब्वियसली देर शुड बी अ सब हेडिंग, मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी इफ यू आर अ फ्रेशर आप क्या ही डालोगे, मे बी यू कैन पुट एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट, क्रेजी अबाउट डेटा, समथिंग लाइक दैट, इफ यू आर अप्लाइंग टू अ स्टार्टअप और समथिंग। यू कैन ऑल्सो स्किप सब हेडिंग, इट्स नॉट नेसेसरी। योर फोन नंबर इज एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहां पे कॉन्टैक्ट होगा आपको। देर शुड बी अ प्रोफेशनल लुकिंग ईमेल, प्लीज यार, मतलब क्रेजी राहुल एट द रेट जीमेल डॉट कॉम इज अ स्ट्रिक्ट नो नो, राइट? मतलब जो आप बचपन में करते थे आप वो यहाँ पे नहीं कर सकते। प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए। यू कैन प्रोवाइड योर लिंक्डइन, बिकॉज हो सकता है लिंक्डइन जाकर के लोग आपको चेकआउट करें। एंड यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड अदर थिंग्स, लेट्स से आप किसी और चीज में अच्छा कर रहे हो,
इट कुड बी आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, या फिर आपने खुद का एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रखा है, और यू हैव अ पोर्टफोलियो वेबसाइट इन जनरल, यू हैव अ वेरी सॉलिड कैगल प्रोफाइल, तो आप उन सब का लिंक यहाँ पे डाल सकते हो। मेक श्योर वो लिंक्स क्लिकेबल हो, ठीक है ना, कोई कॉपी करके दूसरे टैब में जाके पेस्ट करे उसका प्रोबेबिलिटी कम है, उसके लिए काम आसान कर दो, लिंक बना दो, ठीक है। अगर आप प्रिंटेड फॉर्मेट में दे रहे हो तो यू कैन ऐड अ क्यूआर कोड ऑल्सो, ठीक है। कुछ लोग एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पर, जो मुझे बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी जॉब जॉब लगेगी और रिक्रूटर आपके घर में आके बोलेगा मुबारक हो भाई साहब आपकी जॉब लग गई मिठाई खिलाओ, ऐसा नहीं होता है। सो एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। द मैक्सिमम दैट यू कैन डू इज यू कैन प्रोवाइड योर सिटी इफ यू आर अप्लाइंग इन साइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री यू कैन प्रोवाइड सिटी एंड कंट्री नेम, ठीक है। नेक्स्ट इज लिंक्डइन। मेरे हिसाब से आप तभी डालना जब आपका लिंक्डइन में कुछ सॉलिड हो, बहुत खाली सा प्रोफाइल है तो यार फालतू में जाकर के आपका इंप्रेशन खराब ही सा हो जाएगा, तो डोंट पुट इट। अगर रेज्यूमे में जो है लिंक्डइन में भी सेम चीज है तो वहां भेज के कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आप लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहते हो और आप दिखाना चाहते हो कि भाई देखो मैं लिंक्डइन पे भी मैंने एक अपना एक ब्रांड बना रखा है, तो फिर उसको वहां पे रीडायरेक्ट करो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज यू कैन ऑल्सो पुट अ ऑप्शनल फोटो, मतलब अच्छा ही रहता है, मतलब आपकी कहानी से जुड़ जाता है, आपकी आपकी शक्ल आपकी कहानी से जुड़ जाती है। सो मैं तो बोलूंगा कि फोटो डाल दो, एक अच्छी सी प्रोफेशनल फोटो इन प्रोफेशनल या रादर फॉर्मल कपड़े, जस्ट पुट अ स्मार्ट फोटो ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, एंड इट विल हेल्प मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हेडर के बारे में तो भाई इतना अगर आप कर लो तो इससे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो जो सेकेंड पॉइंट है ना वो है समरी, या रेज्यूमे समरी बुला सकते हो आप इसको। अगेन टॉप में रहता है आपके और हेडर के जस्ट नीचे आप 3 से 4 लाइन में अपने और जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उसके बीच का फिट डिस्क्राइब करते हो, कि कैसे आप जो हो अभी तक वो इस कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए एकदम सही बंदा है, ये आपको बताना होता है। सो ये बेसिकली खुद को बेचने की जगह है, और अनफॉर्चुनेटली लोग इस चीज का इम्पैक्ट नहीं समझते हैं, एंड दैट इज वाई मैंने ज्यादातर कैंडिडेट्स को देखा है, इनफैक्ट 95% कैंडिडेट्स को देखा है कि वो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, एंड कॉपी पेस्ट इज सच अ बिग टर्न ऑफ। आप इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो जहां पे आप बहुत अच्छा कुछ लिख करके कन्विंस कर सकते थे सामने वाले को, वहां पे आपने एक जेनेरिक सा कॉपी पेस्ट चिपका दिया जिससे आप भीड़ का पार्ट बन गए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है भीड़ से अलग होने का। ट्रस्ट मी, मुझे बहुत मेल्स आते हैं और मैं उन लोगों के ऊपर ज्यादा क्लिक करता हूँ, उन मेल्स के ऊपर ज्यादा क्लिक करता हूँ जहाँ पे एक पर्सनलाइज मैसेज होता है, वो अपने बारे में बता रहा है, वो मेरे बारे में बता रहा है, और दोनों के बीच में हम कैसे सिनर्जाइज कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको पूरा कैश इन करना होता है। कुछ पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इट शुड नॉट बी अ कॉपी पेस्ट, जैसे ही मुझे दिखेगा मुझे समझ में आ जाएगा यू आर नॉन इमेजिनेटिव, और आपका पहली एक नेगेटिव पॉइंट आ गया। तो यूज समथिंग दैट इज वेरी वेरी पर्सनलाइज, आपका भी कंपनी का भी और दोनों के बीच का रिलेशनशिप को यू कैन डिस्क्राइब, ठीक है। नेक्स्ट, राइट पर्सनलाइज थिंग्स, ठीक है, अपने बारे में, कंपनी के बारे में, जैसा मैंने बोला। थर्ड पॉइंट इज कि थर्ड पॉइंट ये, लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल्स। पहले आपको एक्सपीरियंस वालों के बारे में बताता हूँ। सो दो एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगा, पहला उतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है और दूसरा एक अच्छा एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है किसी एक्सपीरियंस बंदे का जिसने ये लिखा है कि डेटा साइंटिस्ट विथ 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सीक्स न्यू पोजिशन, स्किल्ड इन स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन। ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, कुछ भी नहीं बेचा इसने। एक अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल सर्टिफाइड डेटा साइंटिस्ट विथ 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सीकिंग टू इंक्रीज डेटा एफिशियंसी फॉर द कंपनी नेम। अचीवमेंट्स इंक्लूड क्रिएटिंग डेटा रिग्रेशन मॉडल्स टू प्रिडिक्ट कंपनी स्टॉक्स प्राइसेस विद 25% मोर एक्यूरेसी दैन हिस्टोरिकल एवरेज, अचीव 20% इंप्रूवमेंट इन इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अक्रॉस ऑल क्लाइंट्स, हाईली स्किल्ड इन मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग। यू कैन सी द डिफरेंस, दोनों सेम बंदे हैं, बोलने का तरीका है, खुद को बेचने का तरीका है। हम इंजीनियर्स या टेक्निकल लोग, हम लोग चीजों को बनाने में अच्छे होते हैं, खुद को बेचने में उतने अच्छे नहीं होते हैं, बट दिस इज अ पॉइंट वेर यू हैव टू जस्ट टेक 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स एंड यू हैव टू सेल योर सेल्फ, ठीक है ना। अपने बारे में कुछ ज्यादा ज्यादा बोल के बताओ, कुछ इंटरेस्टिंग बोल के बताओ, नंबर्स फेंको सामने वाले के ऊपर, और उसका इम्पैक्ट बहुत होता है, ठीक है। एक मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूँ फ्रेशर्स का। सो फ्रेशर का ये एग्जाम्पल देखो, एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट सीकिंग अ मशीन लर्निंग और डेटा इंजीनियरिंग जॉब, नो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस येट बट आई एम ईगर टू गेट इन टू द बिग डेटा फील्ड। बंदे ने अपने बारे में एक नेगेटिव पॉइंट बता के एक पॉजिटिव पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश की, कि बट आई एम वेरी पैशनेट। जनरली नहीं करना चाहिए ऐसा, अपने बारे में नेगेटिव्स मत डालो,
सामने वाला ऐसे भी बैठा हुआ है आपके नेगेटिव्स खोजने के लिए, वो खोज ही लेगा, आपको उसको हेल्प करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल दूसरा देखो, जूनियर डेटा साइंटिस्ट विथ 3+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट वर्क एंड फ्रीलांस जॉब्स, दिस गाय इज अ फ्रेशर, बट उसने स्मार्ट वर्ड प्ले करके 3+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बता दिया इन प्रोजेक्ट वर्क, मतलब वो 3 साल से मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है और थोड़े मोड़े उसने फ्रीलांस जॉब्स भी किए। ठीक है, बेस्ट बीट 200+ स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर्स एंड बिग डेटा प्रोफेशनल्स इन सम कॉम्पिटिशन बाय बिल्डिंग मॉडल्स दैट फिट द प्रॉब्लम बेस्ट। किसी कॉम्पिटिशन को जीता, उसको कहने का तरीका देखो, स्किल्ड इन मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मैं बार बार एक ही बात आपको बता रहा हूँ, ये जगह है सामने वाले को इम्प्रेस करने की, और इम्प्रेस करने के लिए आपको थोड़ा सा वर्ड प्ले यूज करना पड़ेगा, अपने नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे किसी ने झूठ नहीं लिखा है, एक बात नोटिस करो, यहाँ पे झूठ नहीं लिखा गया है, बट उसको बहुत पोएटिक तरीके से एम्पलीफाई करके लिखा गया है, जिससे लग रहा है कि जितना वो है उससे ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो प्लीज ये जो सेक्शन है ना, रेज्यूमे समरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेस्ट मत करना कॉपी पेस्ट करके, अपनी लैंग्वेज में एकदम पर्सनलाइज्ड एक चीज लिखो अपने बारे में और बताओ नंबर्स के थ्रू कि आप कैसे सामने वाली कंपनी के लिए सही बंदे हो। ठीक है, उसको लगना चाहिए कि यार ये बंदा तो मेरे लिए ही आया है। ठीक है, वो फीलिंग आपको निकालनी है। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 3, एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस मतलब आपने पहले जहां पे काम किया है, आप उस काम के बारे में रिक्रूटर को बता रहे हो। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यू हैव टू एक्सप्लेन मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन कि आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्व कर रहे थे, और सेकेंड आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि आपके काम ने उस जॉब में क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, क्या फायदा पहुंचाया नंबर्स के थ्रू। ठीक है, बिकॉज हम डेटा साइंटिस्ट जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एवरी वन हेयर लव्स नंबर्स, तो यू हैव टू प्रोवाइड नंबर्स। ठीक है, सेकेंड यूज अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे रिसेंट जॉब को सबसे ऊपर रखना है, उसके बाद वाले को उसके नीचे और उसके बाद वाले को उसके नीचे, कुछ इस तरीके से दिखाई देना चाहिए कि सबसे पहले आपने लिखा कि आपका प्रोफाइल क्या था, डेटा साइंटिस्ट, कंपनी का नाम, किस डेट्स पे आपने वहां पे काम किया, लोकेशन। उसके बाद आपको 3-4 लाइंस अच्छे से यूज करके अपने काम को समझाना है और अपने इम्पैक्ट को समझाना है। यू कैन यूज KPIs, यू कैन यूज मेट्रिक्स, जितने आप मेट्रिक्स प्रोवाइड करोगे, जितना आप क्वांटिफाई करोगे अपने इम्पैक्ट को ना, उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके रिक्रूटर के दिमाग में। ठीक है, इसके अलावा इफ यू आर अ फ्रेशर, आई नो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जाम्पल दिखाया, आप शैडो एक्सपीरियंस वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। लेट्स से एक एक्सपीरियंस बंदे की बात कर रहे हैं, और ये एग्जाम्पल है एक ऐसे तरीके से इस पूरी चीज को लिखने का जिसका इम्पैक्ट एकदम भी सही से नहीं पड़ेगा। यू कैन सी बंदे ने अपना नाम लिख अपना कंपनी का नाम लिखा, प्रोफाइल लिखा, डेट्स लिखी, उसके बाद उसने बहुत ही बोरिंग तरीके से एक लाइन में बस समझा दिया कि मैं कुछ ऐसा काम करता था, वर्क एज अ डेटा साइंटिस्ट फॉर अ कैपिटल मैनेजमेंट फॉर्म, क्रिएटेड एंड प्रेजेंटेड मॉडल्स फॉर पोटेंशियल होल्डिंग्स, क्रिएटेड मशीन लर्निंग टूल्स टू कंप्यूट एडजस्टेड पीई वैल्यूज। मजा नहीं आया, बट उसी चीज को अगर आप इस तरीके से लिखो और इम्पैक्ट देखो, फुलफिल्ड ऑल डेटा साइंस ड्यूटीज फॉर अ हाई एंड कैपिटल मैनेजमेंट फर्म, क्रिएटेड एंड प्रेजेंटेड मॉडल्स फॉर पोटेंशियल होल्डिंग टू फंड मैनेजर्स, अचीव्ड 20% बेटर रिटर्न्स वर्सेस हिस्टोरिक परफॉर्मेंस, क्रिएटेड मशीन लर्निंग टूल्स दैट कंप्यूटेड एडजस्टेड पीई वैल्यूज, प्रेडिक्टेड स्टॉक प्राइसेस 25% बेटर देन ट्रेडिशनल फिगर्स। ये जो नंबर्स है ना, ये समहाउ थोड़ा सीरियसनेस ऐड कर रहे हैं, थोड़ा क्वांटिफाई कर रहे हैं आपके इम्पैक्ट को, और यही डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ फ्रेशर्स का। सबसे पहले ये देखो कि फ्रेशर्स कहाँ पर शैडो एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल जगह हैं। सबसे पहले कैगल इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, जहां पे जाके आप कुछ बहुत तगड़े कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो टीम बना करके, एंड लेट्स से अगर आप कभी टॉप 5%, टॉप 3% में आ गए, तो दैट इज अ गुड इनफ एक्सपीरियंस टू शो इन फ्रंट ऑफ रिक्रूटर्स। ठीक है, सेकेंड प्लेस इज फ्रीलांस वर्क। ठीक है, फ्रीलांस वर्क कुड इंक्लूड एनीथिंग, इट कुड बी किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाओ आप अपवर्क जैसा, और वहां पे जाकर के आप किसी का काम फ्री में ही कर दो, एटलीस्ट गेट सम वर्क। ठीक है, आप किसी स्टार्टअप के लिए काम कर सकते हो, आप किसी यूट्यूब चैनल के लिए काम कर सकते हो, किसी भी चीज के लिए काम करो, जस्ट दिखाओ कि मैंने थोड़ा सा फ्रीलांस वर्क किया है। ठीक है, एंड थर्ड इज ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी एक प्रोजेक्ट को पकड़ो जो आपको बहुत पसंद है, उसके ऊपर आप ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल्ड वर्कशॉप करेंगे फ्यूचर में, बट यू गेट द आइडिया। इफ यू आर अ फ्रेशर, आपको किसी तरीके से शैडो एक्सपीरियंस दिखाना है, और एक बार अगर आप शैडो एक्सपीरियंस ले आए, तो उसको दिखाने का तरीका कुछ ऐसा हो सकता है, फ्रीलांस डेटा साइंटिस्ट
कब से कब तक एक्टिव, उसके बाद आप किसी कंपटीशन का नाम लिख दिया जहां पे आपने इतने लोगों को बीट किया, यू डिड सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस फॉर सम स्टार्टअप और सम कंपनी, यू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस पाइथन लाइब्रेरी, ठीक है, तो कुछ भी इस तरीके का दिखाओ ताकि वहां पे आपको दिखे कि यार भाई इस बंदे के पास कुछ तो एक्सपीरियंस है, इवन दो ही इज अ फ्रेशर, इसने हाथ पाँव तो मारा है, मतलब इसके अंदर कुछ तो बात है, ये आपको निकाल के सामने रखना पड़ेगा। चलो गाइज, अब हम लोग बात करेंगे स्किल्स की। स्किल्स इज एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई भी रिक्रूटर पता है आपके स्किल्स की तरफ जा करके मैच करता है कि जो हमें चाहिए क्या इस बंदे के पास है या नहीं। तो स्किल्स से रिलेटेड आपको जो भी चीजें प्रेजेंट करनी है बहुत ही केयरफुली करनी है। मैं आपको दो तीन पॉइंटर्स बताता हूँ। द फर्स्ट पॉइंटर इज कि कैटेगराइज योर स्किल्स, ठीक है, मतलब सिर्फ एक साथ सारे स्किल्स लिख देने से ना समझ में नहीं आता। अगर आप उसका इम्पैक्ट मैक्सिमाइज करना चाहते हो उनको कैटेगराइज कर दो, समथिंग लाइक दिस, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे आपने काम किया है, कौन से डेटाबेसेस पे काम किया है, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम किया है, कौन से और सॉफ्टवेयर टूल्स के ऊपर आपने काम किया है। आप यहाँ पर अपने बाकी सॉफ्ट स्किल्स भी लिख सकते हो, टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, रिटन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट बेसिकली कैटेगराइज करना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज सब कुछ एक साथ लिख दोगे ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है यार क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। कैटेगराइज करो, कैटेगराइजेशन इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। पॉइंट नंबर टू, डोंट सेल्फ रेट। यार मैंने कुछ रेज्यूमे में कुछ ऐसा देखा है कि लोग क्या करते हैं, स्किल्स को लिखते हैं और फिर ये बहुत खूबसूरत से दिखने वाले प्रोग्रेस बार्स बना देते हैं, जो मुझे लगता है कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है। देखो, आपको सेल्फ रेट करने की जरूरत नहीं है। अब लेट्स से आपने आर में यहाँ पर एक छोटा सा ये प्रोग्रेस बार बना रखा है जो आई डोंट नो 60% पे या 70% पे, तो इससे मुझे क्या समझ में आया एज अ रिक्रूटर, बस मेरे दिमाग में ये रेड फ्लैग आ गया कि ठीक है भाई इसको आर का काम नहीं देंगे, इसको पाइथन का काम दे सकते हैं, डेटा माइनिंग का काम दे सकते हैं, बट उसमें भी पता नहीं इसने 20% बचा लिया है, तो पता नहीं क्या सीन है। डोंट सेल्फ रेट, वी विल टेक योर इंटरव्यूज ना, हम डिसाइड करेंगे आप कितने अच्छे हो। आप खुद से क्यों बोल रहे हो कि मुझे कोई चीज नहीं आती, अगर नहीं आती है तो उसको लिखो मत। मतलब इस किसी चीज में अगर आप एकदम ही बिगिनर हो तो उसका लिखने का कोई पॉइंट ऐसे भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सेल्फ रेट वाला चीज देखने में अच्छा लगता है, बहुत स्टाइलिश डिजाइन वाइज अच्छा लगता है, बट इट डज नॉट सर्व एनी पर्पस। बाकी यार आप डिसअग्री कर सकते हो, बट मैं तो रिज्यूमे में कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा खुद को सेल्फ रेट करने का। मे बी आप एक्सपर्ट लिख सकते हो, इंटरमीडिएट लिख सकते हो, बट डोंट यूज नंबर्स और परसेंटेजेस और दिस काइंड ऑफ प्रोग्रेस बार टू डिनोट आपको कितना आता है, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री, यूज योर स्किल्स इन एक्सप्लेनिंग प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपीरियंस। मैंने आपको ऊपर बताया आप एक्सपीरियंस में सब कुछ लिखो आपने क्या क्या किया है, प्लीज मेक श्योर कि आप जब एक्सपीरियंस को समझा रहे हो ना कि मैंने ये जॉब में ये सारी चीज की, वहां पर आप क्या करो इन स्किल्स को यूज करो, ताकि देर हैज टू बी अ कॉल बैक, राइट, कि स्किल्स पढ़ा ऊपर उसने देखा अच्छा स्किल को उसने ऊपर यूज किया है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल ये आपकी स्क्रीन पर है कि यहाँ पर बंदे ने अपने बारे में समझाया है बट उसने वो वर्ड्स यूज किए जो उसने स्किल्स में मेंशन किए थे, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, सबकॉन्शियस लेवल पे ही करेगा बट अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और इसके अलावा एक चीज और, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, लेट्स से आप सेल्स में काम करते थे और अब आप डेटा साइंस में ट्रांजिशन कर रहे हो, प्लीज अपने सेल्स वाले स्किल्स ऊपर मत रखो, अपने डेटा साइंस वाले स्किल्स ही ऊपर रखो। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना उसके हिसाब से स्किल्स को सबसे ऊपर रखो, और नॉन रेलिवेंट स्किल्स को फिर नीचे आप रख सकते हो या आप हटा भी सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो बहुत पॉजिटिव हेल्प करेगा तब आप ऐड करो, जबरदस्ती भरने की जरूरत नहीं है, रेलेवेंट स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन। एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको लिखना ही पड़ेगा अपने बारे में, तो कुछ पॉइंट्स इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। पहला इज यूज द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल इन ऑर्डर, सबसे रिसेंट वाला इंफॉर्मेशन को सबसे ऊपर रखो। लेट्स से आपने पीएचडी कर रखा है तो पीएचडी सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आएगा, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन, देन स्कूल। इनफैक्ट सब कुछ डालने की जरूरत भी नहीं है, आप स्पेस के हिसाब से देखो, अपने लास्ट दो इन्फॉर्मेशन डाल दो, दैट इज सफिशियंट। सेकेंड, एक्सप्लेन वॉट यू हैव लर्न, मतलब लेट्स से अगर आप पीएचडी कर रहे हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो और आप कुछ पर्टिकुलर पेपर्स पढ़ रहे हो, तो उन पेपर्स में आप क्या सीख रहे हो ना वो आप जरूर समझाओ, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल बिकॉज यहाँ पर बंदे ने बीएस इन स्टैटिस्टिक्स किया है, सीजीपीए उसने लिख दिया और बस लिख दिया कंप्लीटेड ऑल कोर कोर्स वर्क, उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। ये सही तरीका है, आप वहां पे लिखो एक्सेल्ड इन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस कोर्स कोर्स वर्क, कंप्लीटेड अ सीनियर प्रोजेक्ट टू प्रिडिक्ट वेटरेस टिप्स इन अ बिजी बॉस्टन रेस्टोरेंट, यूज्ड डिसीजन ट्रीज, रिग्रेशन मॉडल्स एंड एसवीएम,
ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ द एआई क्लब। तो बेसिकली जो भी आपने उन 3 या 4 सालों के ड्यूरेशन में किया है मशीन लर्निंग डेटा साइंस के डोमेन में, उसको आप अच्छे से 2 से 3 लाइन में मेंशन कर सकते हो, एक उसका एक इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दिस इज द राइट प्लेस वेयर यू कैन ऐड ऑल रेलेवेंट कोर्स वर्क एंड सर्टिफिकेशंस। मतलब लेट्स से आपने कोर्सेरा या फिर यूडेमी पे कुछ कोर्सेज किए हैं जो कि सभी ने कर रखे होते हैं, वहां पर आप इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपने कौन सा कोर्स किया, किस प्लेटफॉर्म से किया और कितने आवर्स का था पूरा का पूरा कोर्स, क्या आपने कोई प्रोजेक्ट किया, क्या आपने कुछ एक्सरसाइजेस की, ये सब कुछ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगेन द आइडिया इज कंसाइज होते हुए आपको रेलेवेंट रहना है, ऐसी चीजें दिखानी है जो डेटा साइंस जॉब रोल से चिपकी हुई हो, सिमिलर हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स सुपर इंपॉर्टेंट है इफ यू आर अ फ्रेशर और आप इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो। एक्सपीरियंस लोगों के लिए मे भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको ज्यादा जज किया जाता है। प्रोजेक्ट्स के बारे में देखो यार, 2-3 पॉइंट सुन लो। पहला ये है कि अपने प्रोजेक्ट्स को ना अच्छे से आप एक्सप्लेन करो, उसका वाई एक्सप्लेन करो, क्यों बना रहे हो, उसका इम्पैक्ट एक्सप्लेन करो विथ मेट्रिक्स। ठीक है, आपने क्या चीज अचीव की, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप एक्सप्लेन करो। सेकेंड, आप समथिंग लाइक दिस, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, यू कैन सी बंदे ने पहले एक फैंटेसी फुटबॉल मॉडल बनाया है और देखो उसने डिस्क्राइब कैसे किया। एग्रीगेटेड एंड प्रेप्ड 3 ईयर्स ऑफ फैंटेसी फुटबॉल प्रोजेक्शन डेटा फ्रॉम 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज इन टू अ MySQL डेटाबेस, डेटा गैदरिंग का बात कर रहा है। क्रिएटेड अ रैंडम फॉरेस्ट मॉडल इन सैस कंबाइनिंग डिस्पैरिट सोर्सेज इन टू वन प्रोजेक्शन दैट आउट परफॉर्म द मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट प्रोजेक्शन बाय 15%। मेट्रिक्स की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, इंपैक्ट को क्वांटिफाई करने की बात हो रही है। सेकेंड वाला देखो, एंटरटेनमेंट इंजन। एग्रीगेटेड डेटा फ्रॉम IMDb एंड रॉटन टोमेटोज एंड यूज के नियरेस्ट नेबर्स इन सैस कंस्ट्रक्टिंग एंड एनहांस एंटरटेनमेंट सिलेक्शन टारगेटेड टू रीच 15 to 25 year old। इम्प्रूव्ड मेथोडोलॉजीज टू सेव एन एवरेज ऑफ 12 मिनट्स पर मूवी सिलेक्शन एंड 3 मिनट्स पर सॉन्ग सिलेक्शन। देख लो कितना वेग बात को भी बंदे ने कितने सही तरीके से ये बता दिया है कि इम्पैक्ट कैसे आया। बनाया उसने क्या है, एक रिकमेंडर इंजन, बट उसने कैसे उसको क्वांटिफाई किया कि 12 मिनट कम लग रहे हैं अब लोगों को मूवी सर्च करने में। ठीक है, तो दिस इज द थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। डेटा साइंस में एवरीवन इज इन टू डेटा, मेट्रिक्स, इम्पैक्ट, क्वांटिफाइंग थिंग्स, आपको वही करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड, इफ यू हैव गॉट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, लेट्स से मैं जैसे पहले वेब डेवलपमेंट में काम करता था, तो यार आप वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे मेंशन मत करो। और अगर आपको करना भी है ना तो उसको सबसे ऊपर मत मेंशन करो, सबसे ऊपर आपके मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स ही होने चाहिए। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एंड लास्टली ये मैंने नोटिस किया है कि रिक्रूटर्स दे लव वर्ड्स लाइक अनस्ट्रक्चर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और ये जो भी मैंने बताया अभी, इम्पैक्ट और मेट्रिक्स, KPIs, इस तरह की चीजें बहुत पसंद करते हैं। तो कोशिश करो कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ उसको जब आप यहाँ पे डाल रहे हो ना तो उसको इस तरीके से लिखो कि ये वर्ड्स वहां पे आए। ठीक है, क्योंकि ये इनका इम्पैक्ट होता है रिज्यूमे रिक्रूटर के दिमाग में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इससे शायद आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि भले ही आप बेसिक ही प्रोजेक्ट बनाओ, ट्रस्ट मी ये दोनों प्रोजेक्ट्स फुटबॉल का तो नहीं है बट मेरे चैनल पे क्रिकेट का है और ये रिकमेंडर सिस्टम तो मैंने बहुत सारे बनवा रखे हैं चैनल पे, तो बहुत कॉमन प्रोजेक्ट्स है बट लिखने के तरीके से देखो ऐसा लग रहा है भाई क्या बनाया है यार। ठीक है, तो यही आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेक्शन जो आपके रिज्यूमे में होगा वो होगा एक्स्ट्रास। एक्स्ट्रास विल इंक्लूड आपके अचीवमेंट्स, लेट्स से आपने कुछ भी अचीव किया इन द डोमेन ऑफ डेटा साइंस या फिर इन जनरल आपने बाकी डोमेन्स में अगर कुछ अचीव किया है, आपके पब्लिकेशंस, पब्लिकेशंस कैन इंक्लूड रिसर्च पेपर्स अगर आपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, या फिर वो नहीं भी हैं तो अगर आपके ब्लॉग्स कभी किसी प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हुए हैं, लेट्स से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है राइट टुवर्ड्स डेटा साइंस, एनालिटिक्स विद्या, इन जगहों पे भी अगर आप पब्लिश कर पाओ अपने ब्लॉग्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पब्लिश किया है, आप भी कर सकते हो, बस यू हैव टू राइट गुड ब्लॉग्स, वो लोग पब्लिश कर लेते हैं, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा करिकुलर्स, मतलब ये अगर आप बताओ तो सामने वाले को एक दिलासा मिलता है, हाँ भाई ये साइकोपैथ नहीं है, तो यहाँ पर आप अपने बारे में कुछ मेंशन कर सकते हो जो भी आप बाकी चीजों में इंटरेस्टेड हो, और इसके अलावा जो भी इन जनरल आपको अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग लगता है जो आपको लगता है सामने वाले को जान के अच्छा लगेगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सब कुछ मेंशन करने के बाद चीजें कुछ ऐसी दिखाई देंगी कि आपने बताया कि आपने कहाँ कहाँ पे आपके अचीवमेंट्स हैं, क्या आपको कभी कोई अवार्ड मिला है, कोई कंपटीशन आपने जीता है, कोई हैकाथॉन आपने जीता है, क्या कुछ आप एडिशनल एक्टिविटी कर रहे हो जैसे कि आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करना, या फिर आप अपने कॉलेज के आई डोंट नो AI क्लब के मेंबर हो या हेड हो,
या आपने फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया है, या आपने कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया है, इस तरह की चीजें आप यहाँ पे मेंशन करो। और जैसा नाम है एक्स्ट्राज ही है, बट हो सकता है मतलब सामने वाले को अच्छा लग जाए तो बताना जरूरी होता है, ठीक है। एक और चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, ये आपके रेज्यूमे का पार्ट तो नहीं होता है बट होता बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको बोला जाता है कवर लेटर। जनरली आप जहां पर भी अप्लाई करते हो और अपना रेज्यूमे भेजते हो, साथ में आप चाहो तो एक पैराग्राफ लिख के भेज सकते हो कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप उस पर्टिकुलर जॉब पोजिशन के लिए बेस्ट हो, ठीक है। तो कवर लेटर लिखना मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे हिसाब से तो नेवर मिस दिस, मतलब मैंने पॉइंट एक्सप्लिसिटली लिखा है, नेवर मिस दिस। आप अगर किसी वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर रहे हो, या किसी को पर्सनली ईमेल कर रहे हो, या फिर आप लिंक्डइन पे मैसेज कर रहे हो, नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू राइट अ कवर लेटर, ठीक है। कवर लेटर में कुछ ऐसा दिखाई देता है, मतलब सामने वाले रिक्रूटर का नाम और कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि यार आपने अभी तक क्या उखाड़ा है, और आपको सामने वाली कंपनी के बारे में कितना पता है, और आपको क्यों लगता है कि आप सही फिट हो उस कंपनी में काम करने के लिए। थोड़ा सा एक इमोशनल टच दे सकते हो, कुछ एक लाइन लिख सकते हो जो उसके ऊपर इम्पैक्ट छोड़े, बट दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पर्सनलाइज करना हमेशा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक कवर लेटर आपने लिखा है बस कॉपी पेस्ट हर कंपनी के लिए सेम चीज कर रहे हो, नहीं यार। जॉब हंटिंग में मेहनत है और यही सारी चीजों की मेहनत है। रेज्यूमे एक बार तो सभी लोग बनाते हैं, बट उसको कस्टमाइज करके भेजना, उसमें असली मेहनत है और वही डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री, यूज योर ओन वर्ड्स प्लीज यार, डोंट यूज कॉपी पेस्ट। मैं बता रहा हूँ इट्स अ बिग टर्न ऑफ, मतलब देखते ही पहली लाइन के बाद लोगों को समझ में आ जाता है कि ये कॉपी पेस्ट है और आगे की लाइन कोई पढ़ता भी नहीं। वहीं अगर किसी ने खुद से अपने वर्ड्स में लिखा हो, ठीक है ना, उतना बहुत बढ़िया इंग्लिश नहीं भी है तो भी यार मन करता है पढ़ने का, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी ने मेहनत की है, ठीक है ना, तो हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा था ना, मुझे मेल आते हैं बहुत लोगों के, मैं उन लोगों के मेल तो पूरा पढ़ता हूँ जहां पे मुझे लगता है कि बंदे ने खुद से पूरा लिखने का कोशिश किया है, उस बात को रिस्पेक्ट देने का मन करता है। तो प्लीज कॉपी पेस्ट मत करना, दूसरों का मत उठाना, अपना अपने वर्ड्स में लिखना, ठीक है, बहुत इंपैक्ट पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज बी टू पॉइंट एंड यूज मेट्रिक्स। बार बार मैं बोल रहा हूँ, डेटा साइंस के डोमेन में जब भी आप अप्लाई करोगे, अपने बारे में बताओगे ना, नंबर्स विल ऑलवेज डोमिनेट। नंबर्स से क्वांटिफाई करो अपना इम्पैक्ट, वही सही रास्ता है, ठीक है। तो ये एक चीज को प्लीज ध्यान रखना कि कभी कहीं अप्लाई कर रहे हो तो कवर लेटर पक्का भेजना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्टली आई विल टेल यू सम जनरल पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे। अभी तक भी चीजें मैंने बताई जो हेल्प करेंगी, बट ये कुछ और एडिशनल पॉइंट्स मेरी तरफ से। पहला, स्टडी अ लॉट ऑफ रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। अभी आपने मेरा वीडियो देखा, ये मत करना कि सीधे मैं अपना रेज्यूमे बनाने बैठ गया, नहीं, थोड़ा और रिसर्च करो, ठीक है। दूसरों का रेज्यूमे देखो, बहुत सारे रेज्यूमेज अवेलेबल है। आप एक बार बस गूगल करोगे ना, डेटा साइंटिस्ट गुड रेज्यूमेज, आप बस इमेजेस सेक्शन में जाओ, भर के आपको रेज्यूमेज मिलेंगे। आप लिंक्डइन पे जाओ, सर्च कर लो डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल, फ्लिपकार्ट, रेजर पे, जो अच्छी कंपनीज है वहां पे जाओ, उनके बंदों का आप रेज्यूमे जाके देखो। यू कैन एक्चुअली डाउनलोड एनी वंस रेज्यूमे, अगर उन्होंने डाल रखा है लिंक्डइन पे, यू कैन एक्चुअली डाउनलोड देयर रेज्यूमे एंड कैन सी कि यार ये बढ़िया कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग किस तरीके से रेज्यूमे बना रहे हैं, उनका स्टाइल कॉपी करो। एक चीज डिसाइड करो अपने लिए कि मेरा रेज्यूमे ऐसा दिखेगा, इमेजिन दैट थिंग एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग योर रेज्यूमे, ठीक है। दैट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि स्टडी करो दूसरों का। उसके बाद गेट मल्टीपल फीडबैक, ठीक है। आप लोगों ने ग्रुप्स बना रखे हैं, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, एक बार जब बने आपका रेज्यूमे पहली बार, बिल्कुल शर्माओ मत, बिंदास भेजो लोगों को और बोलो कि यार ये मैंने रेज्यूमे बनाया है, एकदम बी अ क्रिटिक और बताओ क्या आप कमी है, क्या बुराई है, मैं उसको सॉल्व करूंगा। कम से कम 10 लोगों से फीडबैक लो। इनफैक्ट देर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स, लाइक देर इज दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड रेज्यूमे वर्डेड, लेट मी शो यू। ये एक पेड प्लेटफॉर्म है शायद, बट यहाँ पर आपके कुछ प्रोफेशनल्स आकर के फीडबैक देते हैं आपके रेज्यूमे के ऊपर। अब ये प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली कैसे काम करता है मैंने कभी खुद ट्राई नहीं किया है, बट कुछ लोगों से मैंने इसके बारे में सुना था और इसलिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ कि आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को भी यूज कर सकते हो टू गेट प्रोफेशनल फीडबैक, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि आज उन्होंने देखा ये वीडियो, सुपर इंस्पायर्ड, मुझे अच्छा रिज्यूमे बनाना है, और उन्होंने आज रिज्यूमे बना दिया। अब 6 महीने तक ना उन्होंने अपने रिज्यूमे को टच ही नहीं किया, अब जब इंटरव्यू की बात आई तो वही सेम रिज्यूमे जो उन्होंने 6 महीने पहले बनाया था वो भेजने लग गए। दैट इज अ बैड स्ट्रैटेजी। कोई भी प्रोडक्ट ना आइटरेशन में इंप्रूव करता है। फेसबुक का पहला वर्जन याद है आपको? चलो आप बहुत छोटे हो गए, शायद आपको याद नहीं होगा, बट मुझे याद है, बहुत ही बेसिक लुकिंग वेबसाइट थी, वही 10 सालों में इंप्रूव करके कितनी सही वेबसाइट बन गई।
व्हाट्सएप ही अगर आपको याद होगा पहले बहुत बेसिक सा दिखता था, अब देखो उसमें कितने फीचर्स और कितना डिजाइन इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। तो सेम गोज विथ योर रिज्यूमे, फर्स्ट वर्जन इज नॉट द फाइनल वर्जन, वो आप नहीं भेज सकते किसी को, आपको उसको लेना है, फीडबैक लेना है, इंप्रूव करना है। 10 बार आइटरेट मारोगे ना तब जाके आपका रेज्यूमे ऐसा बनेगा जो आप किसी रिक्रूटर को भेजोगे। जिसने भी ये किया है ना कि मैंने आज रेज्यूमे बनाया और आज ही भेज दिया, गलती है यार, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक बढ़िया फाइनल प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करो, आज बनाया है कल फिर से बनाओ, परसों फिर से बनाओ, इंप्रूव करते जाओ, इंप्रूव करते जाओ, आइटरेट करते जाओ। आइटरेशन में चीज इंप्रूव होती है, और जैसे जैसे इंप्रूव होगी ना और बढ़िया प्रोडक्ट निकलेगा और वो आपको कन्वर्जन देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज नो टाइपोज, मतलब कहने की तो बात ही नहीं है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक करके भेज रहे हो, मतलब दैट इज सो बैड कि आप एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो और आपके रेज्यूमे में स्पेलिंग मिस्टेक्स है, बहुत ही खराब इंपैक्ट पड़ेगा। पहली बात तो ये कि अगर आप आइटरेट करोगे बार बार तो रेज्यूमे में टाइपोज नहीं रहेंगे। सेकेंड, यूज अ टूल, ग्रामरली जैसा टूल यूज करो। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, यूज अ प्रोफेशनल टूल लाइक ग्रामरली। ठीक है, ग्रामरली इज अ गुड टूल, फ्री में अवेलेबल है, आपके सारे टाइपोज हटा देगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। एक और चीज, जिन चीजों के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं होना उनको हटा दो अपने रेज्यूमे में से, स्किल्स जिनके बारे में यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, प्रोजेक्ट्स जो आपने नहीं बनाए बस टीम में थे, उन सबको हटा दो। बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ता है कि आपसे आपके रेज्यूमे में देख के एक क्वेश्चन पूछा गया और आप आंसर नहीं कर पा रहे, राइट? उससे खराब कुछ नहीं होता। इफ यू हैव गैप्स इन योर एजुकेशन, आप किसी तरीके से अगर उसको छुपा सकते हो, हटा सकते हो, हटा दो, मतलब इट्स ओके। जिन चीजों के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ट्राई करो उनको एलिमिनेट करने का इन अ वेरी स्मार्ट मैनर, मतलब ऐसा छुपाओ कि उसके ऊपर सवाल पूछे ही ना जाए। ठीक है, तो लास्टली ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग मुझे जब शेयर करते हैं अपना रेज्यूमे तो वो डॉक फॉर्मेट में कर देते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। मतलब हमेशा कोशिश करो कि जब भी आप सेव कर रहे हो अपने रेज्यूमे को या फिर शेयर कर रहे हो अपने रेज्यूमे को, यूज पीडीएफ फॉर्मेट, दैट इज द बेस्ट फॉर्मेट। नाम ही है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्ट करने के लिए है, दूसरी जगह भेजने के लिए है, तो यूज पीडीएफ बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं बट ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो या दिस इज द सेशन, आई नो शायद 40-50 मिनट का हो गया होगा, बट आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द थिंग्स जो होनी चाहिए आपके दिमाग में वाइल मेकिंग अ रेज्यूमे। आई एम श्योर कुछ बातें अभी भी छूट गई होंगी, बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप और भी जगहों से थोड़ा पढ़ाई करने के बाद ही अपना रेज्यूमे बनाओगे। तो प्लीज गाइज, इट्स सुपर इंपॉर्टेंट, ये वीडियो हमने कोर्स की शुरुआत में इसलिए बनाया है ताकि आप आइटरेट कर पाओ। ठीक है, अभी बनाओ, अगले महीने उसको इम्प्रूव करो, उसके अगले महीने इम्प्रूव करो, जो प्रोजेक्ट्स हम आपसे बनवाए उसको ऐड करते जाओ, ताकि 7 मंथ्स के बाद जब ये कोर्स खत्म हो तो आपके पास एक बहुत बढ़िया रेज्यूमे हो। ठीक है, तो दैट्स द गोल। प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद सो मत जाना, मतलब आई नो रात हो रही है तो सो जाना, बट यू नो व्हाट आई मीन, आप प्लीज इसके ऊपर काम करो, बिल्ड अ गुड रेज्यूमे, गेट फीडबैक, इंप्रूव इट, एंड देन सेंड इट टू रिक्रूटर्स। इट इज एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट, ये एक पेज का डॉक्यूमेंट आपका फ्यूचर बदल सकता है, इस बात की इंपॉर्टेंस को समझना। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको पसंद आया। ये गूगल शीट, गूगल स्लाइड आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको आप रेफर कर सकते हो, और बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।